India's rising talent, and we request people and youngsters from the age of 15 to 35 to send us 1 minute short videos on the number, which would be 6390999099, and after which there will be auditions as well for this particular talent hunt. We have different categories like singing, rapping, mimicry, stand-up comedy, YouTube shorts, reels, stories, and street plays. So we have prizes for the same. Each category, the winner gets 1 lakh rupees, and the second prize is 75,000, the third prize is 50,000. So our main aim is to promote local young talent, which do not otherwise have a platform to showcase their talent. Or Mumbai, jaise shehar mein, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे बाहर आना है और उसके उभर के बाहर आने की कोशिश हम कर रहे हैं. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गेस्ट को, जो उन्होंने समय निकाल कर इस लॉन्च का हमारा साथ दिया है. और मुझे यकीन है कि इसके बाद कई यंगस्टर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे और मुंबई से फिर नेशनल लेवल तक हम ज़रूर जाएंगे, और इससे कई यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इन्फॉर्मेटिव जो है उसे शेयर करने के लिए. मुझे बहुत खुशी हुई जब अजीज़ और सनोबर ने मुझे अप्रोच किया एक गाने के लिए. इस पाए सिद्धार्थ कश्यप, हु ओन्स द म्यूज़िक लेबल, ही इज़ द म्यूज़िक कंपोज़र. जो गाने के अल्फाज है, जो सिंगर्स है, सुमेधा, इरफान एंड राजा, दे हैव जस्ट डन अ फैंटास्टिक जॉब. तो जब मैंने गाना सुना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग. जब भी कोई मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच करता है, सर इफ द सॉन्ग इज़ ग्रेट आई विल गो फुल आउट. मैंने गाना सुना है, सर दिस इज़ अ हिट सॉन्ग, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. और जब सनोबर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया, इट वॉज जस्ट सो beautiful, I said I have to say yes. And then Aziz said we are shooting in Kashmir. I said this cannot be better than that, because last year मैं गया था कश्मीर, but I had gone to all the touristy places, but उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत जगह ली अनंतनाग, which is a little away from श्रीनगर, और जो शूटिंग हमने करी वहाँ पर, it's so beautiful. I think एक ज़माना हुआ करता था 70s और 80s में, जब हम देखते थे कश्मीर was so explored, but afterwards, after the 80s, 90s, it went down for various reasons, political reasons, and now I feel everybody after seeing our song will fall in love with Kashmir. मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, यू नो यू सी मी एज अ कोरियोग्राफर, जज, बट एक एक्टर के किरदार में कई बार मैंने ऐसे म्यूजिक वीडियोज़ किए हैं. बट दिस इज़ वन लुक वे अजीज द डायरेक्टर वॉज वेरी क्लियर कि टेरेंस, आई हैव सीन यू एज अ रॉक स्टार, बिकॉज हमारी दोस्ती 20 साल पहले जाती है, एंड आई वॉन्ट दैट सेम रॉक स्टार लुक, जबकि बाल लंबे थे एंड ऑल दैट. सो ही वॉज वेरी क्लियर कि इसका एक विजन है, एंड आई एम सो हैप्पी उसका विजन सक्सेसफुल हुआ. जब मैंने भी गाना देखा, वाओ इट लुक्स रियली गुड, इट लुक्स अमेजिंग. और मेरे कोस्टर जो है सारा, वो बहुत ही अच्छी डांसर है, और हाल ही हम मिले थे, एंड देन यू नो अजीज कास्ट था, सो इट वॉज जस्ट परफेक्ट. कभी कभी ना बिना ज़्यादा सोचे सब चीज़ें अपने आप आ जाती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेंडिपिटी, दैट्स व्हाट हैपेंड टू दिस सॉन्ग. मेहरबान इज जस्ट लव. गाना इतना मधुर है कि यू नो यू जस्ट गेट ट्रांसपोर्टेड, यू जस्ट फील लाइक लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. अगर आप ये यू नो ईयरपॉड्स जाके सुने, या इफ यू इन द कार एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग, इट इज़ सच अ सूदिंग सॉन्ग, इट काम्स यू डाउन. एक गाना जो आपको ऑलवेज काम करता है. जनरली आप गाने जो अभी हम सुन रहे हैं, वो हब बेवफाई के हैं, दिल किसी ने तोड़ा है, बट आई थिंक इट इज़ सच अ रिफ्रेशिंग सॉन्ग, जहाँ पे एक स्टोरी भी इतनी खूबसूरत है, जहाँ पे एक लड़का जो मैं प्ले कर रहा हूँ जिमी, जिसकी गर्लफ्रेंड यू नो आत्महत्या कर लेती है फॉर सम रीज़न, और वो डिप्रेशन में चला जाता है. फिर एक दूसरी लड़की उसको यू नो फिर से वो अरमान जगा देती है, एंड शी ब्रिंग्स हिम बैक यू नो इनटू हिज फील्ड. सो थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, बट समटाइम्स यू टू लेट गो टू रियली फॉर लव टू फाइंड यू. दैट्स द ब्यूटीफुल कैच लाइन ऑफ मेहरबान. मेहरबान का कैच लाइन है, यू हैव टू लेट गो इन लव सो दैट लव कैन फाइंड यू, एंड दैट्स द यू नो द एसेंस ऑफ ऑल. यू नो वैन यू चेस सर्टन थिंग्स, इट डजेंट हैपन, बट वैन यू लेट गो, then the beauty of love just finds you. So the essence of the song, जो shoot किया गया है, जो कहानी का मुद्दा है, सब इतना प्यारा है कि I just feel very confident about the song. Yeah.
डांस जो रील्स पे होता है वो बहुत अलग होता है, वो 15 सेकंड के लिए होता है, यहाँ पर काफ़ी हद तक यू नो गाने को समझ, गाने की जो समझ है, अल्फाज है, जो बोल है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट्स ऑल्सो आई वॉज विथ सारा, आई वॉज डूइंग मोर ऑफ यू नो बॉल रूम, यू नो नॉट बॉल रूम बट रादर कपल डांसिंग, और वहाँ पर भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादा लिफ्ट थे. बहुत मज़े की बात थी, कश्मीर का एक ब्रिज था जो एक टूटा फूटा हुआ था, और अजीज़ ने कहा कि मुझे बर्फ में चाहिए और मुझे झील के पास चाहिए, और वो जो डांस है वो इतना डिफिकल्ट है, पार्टनर वर्क है, और वो ब्रिज हिल रहा है, और एक तरफ अगर आप देखोगे तो इफ़ यू जूम इन, एक तरफ वो जो ब्रिज का जो बोलते ना रेलिंग वो है ही नहीं. तो फॉर द कैमरा का इट वॉज़ वेरी गुड बिकॉज इसको क्लियर एक्सेस मिल गया, लेकिन हमारी आई वुड से फटी हुई थी बिकॉज अगर मैंने एक भूल कर ली तो वी आर डाउन इन द रिवर, यू नो, एंड वो पानी बहुत बर्फीला और सर्द भी काफ़ी थी. सो दे काफ़ी फनी सिचुएशंस थे, बट वेन यू सी द सॉन्ग इट लेट्स लुक स्टनिंग एंड सरियल. यू नो हम मज़े की बात यह है कि जब भी हम बर्फीले जगह पे जाते तो हीरोइन साड़ी में होती है, पतली सी साड़ी, एंड यू नो शी इज़ बे बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम, इन द सेंस दैट शी इज शोइंग हर बॉडी मोर इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस, अ स्लिंकी ड्रेस, और हीरो जो होता है वो कपड़े डाले, जैकेट डाले. सो थैंक यू सो मच निशांत भाई मेरे को यहाँ बुलाने के लिए. और गाइस एक मिनट की बस वीडियो बनाना है आप लोगों को, क्योंकि मुंबई के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से. एक मिनट की वीडियो बनाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, फनी हो, कॉमेडी हो, कोई भी वीडियो बनाओ, और आप मिल सकते हो और आपको मिल सकता है. और सब कैटेगरी में अलग अलग प्राइज है, मतलब एक में ही नहीं है, सिर्फ सब में अलग अलग 1 लाख रुपया प्राइज है, और सेकेंड प्राइज 75. सो एक मिनट की वीडियो बनाओ और सेंड करो व्हाट्सएप पर, और हम लोग देखेंगे. थैंक यू कैसे सब लोग, मूड भी है सर, इतना साइलेंट है जब ये तब के. ऑलराइट, एक कलाकार को कंटेस्टेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म की कितनी सख्त जरूरत होती है, इसका मैं खुद उदाहरण हूँ. मैं कंटेस्टेंट लड़ के आया हूँ, पार्टिसिपेशन होके आया हूँ, आप ही लोगों ने पसंद किया चाहा, तो इस इनिशिएटिव का मैं बहुत स्वागत करता हूँ. बाबा सर और जीशान जी, इन परिवार में कलाकारों को मिलाने का एक अलग ही हुनर है, तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने चुना है, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट इस मंच के जरिए पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं उनका भी स्वागत है, चाहे आप म्यूजिक आर्टिस्ट हो, चाहे आप साउंड इफेक्ट सभी लोग जानते हैं साउंड इफेक्ट स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए कितना इम्पैक्टफुल होता है. जैसे घुघरू बाजे की आवाज हम लोग निकालते थे तो लोगों को ये टैलेंट है पता ही नहीं है. पाजे पायल सोचिए इतना बड़ा खजाना जब कोई पार्टिसिपेशन के जरिए हमारे प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा तो ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा हर कलाकार के पार्टिसिपेशन से. सो करना यही है, एक मिनट का वीडियो आपको हम तक पहुंचाना है, दिए हुए नंबर पे 6390999099 और इस नंबर पे आपको ये व्हाट्सएप करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी. ऑल द बेस्ट इंडिया राइजिंग टैलेंट प्लेटफॉर्म. थैंक यू. Hi everyone, I'm Biswa, the singer and performer. Thank you so much first of all to Mr. Zishan Siddiqui sir and Godre Devi and Palu Chawla Devi for having me, for inviting me here. It's a very big platform and sab talent ke liye bahut bada platform hai ye India's rising talent. एंड ऐसे मौके सब लोगों को नहीं मिलता है. एंड मैं भी ऐसे ही वीडियो खींच के कोई रियलिटी शो में फिर मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सेंड ऑल योर वीडियोस एंड योर टैलेंट्स. थैंक यू. Thank you. Hi, I'm Ganesh Adha, Ruthi Isa,
And firstly, I want to congratulate Zeeshan Bhai because it's really an innovative project, and you know, students and all these people, they can get out of the immediate spheres and they can find themselves, they can find their talent and they can explore it. And through that, they can break through and get that recognition. So it's really innovative. Once again. This is a nationwide campaign which has been launched by the Indian Youth Congress, and it's our honor to have launched this in Mumbai. And I feel like every youngster deserves a chance to portray his talent in whichever form and whichever talent he possesses. And we've always been supportive of such talents, and I think Mumbai is, you know, it's the central hub of all the things and a lot of talent. So I think it's a great start to have, you know, to begin this in Mumbai, and that's exactly why we've done this, to promote talent and to make sure that as I was just talking to Faiz, he was telling me that this wasn't there during his time when they were upcoming. So many times people don't have platforms, and that's exactly why we've done this, to make sure that they enter through the right platform. Talking about the output, you know, every talent when they participate in any kind of reality show, they always look at where do we take them, you know, in future? See, everything's a stepping stone. When we have the competition, there are going to be lots of judges and profound people from profound, you know, various fraternities. So I'm hoping that, you know, somebody comes up and takes it to the next level. And, you know, the audience is big, because as I said, that people who win from Mumbai will get to perform at a national level. So the national audience is a large audience, and our main aim is to give them a large audience. Nishan, we see a wonderful panel with you today, and they represent and they are seasoned in their own field. You know, how important do you think, you know, a reality show platform is for talent? Because, you know, as you rightly said, Mumbai is the hub for talent, but, you know, there's a lot of other factors which are there, which challenges that they face. So how do we, you know, control that, and how do we justify that? No, that's exactly what I said. The issues which are being faced by the people of our city and the country, we need to project that into art. And as you know, Amir said that we do not have to make it preachy, it has to be something fun. So, you know, highlighting issues in a fun way is unique in its own self. And obviously this platform will be beneficial to everyone who's going to be a part of it. And you know, there are exciting cash prizes as well. So I think it's a win-win situation for all. Amir, with your experience, how important do you think a reality show platform is for talent to, you know, make it to the acting field? You know, there's so much talent all around, and there's always a good thing if there's an extra platform to show your talent. There's so many platforms now. So, and with somebody like Zeeshan heading it and spreading it around, I'm sure you'll get a good panel of judges, and the people involved will be very big from our industry. So it'll be a good place for new talents to come and portray, and see, sab apna apna reels banate, show ka kaam bhi karte hain. Magar ek platform mil jata hai for newcomers, jahan par wo apna reels jo bhi batana chahte hain, wo bata sake, and spread zyada hoga. So it's always good for new talents. Zeeshan, my question to you, with what Rasami said, talking about the jury, because that's a very, very important factor for any reality show, you know, to give them that kind of grooming and advice and suggestions to move forward. So do we have some jury in mind, or we meeting again for the announcement? We're now launching the number in which we're going to expect people to send in the entries. Post that, we will be filtering the videos that are sent to us. We will be hosting auditions in Mumbai, and the jury will be announced soon. And then there will be a grand finale, which everyone will be told about. Thank you so much.
So the whole process is 6 months, 1 year, the period? No, not 6 months, 1 year. We plan to do it really soon. मुझे लगता है अगले एक से दो महीने में हमें ये पूरी प्रक्रिया को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. Thank you. I think we are. If thank you, Parul ji. Like we are done with the questions and the ceremonies are waiting since long. So I just conclude this press conference with a vote of thanks. Yeah. Do that and then we can launch the. So I want to thank all the media personalities from behalf of Indian Youth Congress and Mumbai Youth Congress to be present in this press conference and covering us. And I also thank all our celebrities, Amir Bhai, Anna Ma'am, Gurpreet Ma'am, Faiz Bhai, Raja Bhai. Thank you for singing that tribute to our leader Sidhu Moosewala. I also thank Naveen Bhai. Aapke jaise talent kam milte hain. Biswa, Gananya. Thanks a lot for everyone for coming here and supporting the program events of India's rising talent. Stay tuned in our keep looking at our Instagram and Facebook channels and we'll keep you updated. Thanks a lot. ये बहुत ही अलग जोन का है, उनके जो प्रीवियस गाने से बहुत ही अलग है. एंड टेरेंस हैड डन अमेजिंग जॉब. वी वांटेड समबडी हु लुक लाइक अ रॉक स्टार एंड आई हैव ऑलवेज सीन टेरेंस लाइक दैट. सो वी गेव हिम दैट लुक व्हिच आई थिंक ही इज लुकिंग फैबुलस इन द सॉन्ग एंड ही हैज डन वंडर्स टू द एंटायर वीडियो एंड यू गाइस आर गोना सी इट वेरी सून. नाउ इरफान राजा हैं, इसे रकीब भाई ने बहुत अच्छा लिखा. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन टेरेंस हैड द सॉन्ग सो ही लाइक्ड इट सो मच देन ही वांटेड कि इसके अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे हम वो कंटेम्प्रेरी डांस को भी विथ स्टोरी के साथ में करें. तो और हमारा सौभाग्य है कि आज मुंबई में हमने ये इसको लॉन्च किया है. और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यंग जो लोकल टैलेंट है मुंबई में, जो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने टैलेंट शोकेस करने का, उन्हें एक मौका दिया जाए. और ये हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. उसके बाद हमने एक्साइटिंग प्राइजेस रखी है उनके लिए. और हर एक कैटेगरी में, जैसे मिमिक्री है, सिंगिंग है, रैपिंग है, स्ट्रीट प्लेज है, जो देश के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए वो उनको यूनिक तरीके से बात करने के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है. एंड आई एम श्योर दैट मैनी यंगस्टर्स विल ज्वाइन अस, सेंड अस देयर वीडियोज ऑन द नंबर दैट वी हैव गिवन. एंड आफ्टर विच वी विल बी हैविंग लाइव ऑडिशंस एंड वी विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड youngsters and take them on a national level also. सब बहुत एक्साइटेड है. जब अभी तो हमने लॉन्च किया है तो लोग पब्लिक से रिस्पॉन्स मिलना बाकी है, बट मुझे उम्मीद है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि जो जो लोगों से हमने बात किया है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बोली है. और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को हम प्रमोट कर सकेंगे. हमें ये भी पता चला आप रियलिटी शोज जो मेन सैटेलाइट चैनल्स पे आप उनके साथ भी इनिशिएट कर रहे हैं बात. देखिए पूरी चीज़ एक प्रोसेस में है. आज लॉन्च किया है और इसके बाद जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें एंट्रीज मिलेगी. जैसी एंट्रीज मिलेगी वैसे लाइव ऑडिशन भी होगा और लाइव ऑडिशन के बाद मेगा फिनाले भी होगा. सही है, स्टार्स लोगों के लिए ही होगा या आम पब्लिक? नहीं, आम पब्लिक के लिए. जैसे आम पब्लिक आगे जाके स्टार बन जाए तो आम पब्लिक हमारे प्लेटफॉर्म में आएगी, अपने टैलेंट शोकेस करेगी और आगे जाके स्टार बनेगी. सर इससे पहले आपने भाषण प्रतियोगिता किया था युवाओं को लेकर कॉलेज और अलग अलग जगहों से लोग आए थे वहाँ पर. अब इस तरीके से ये नया प्लेटफॉर्म, ये नया प्लेटफॉर्म है क्योंकि अपने अपने अलग टैलेंट है. कोई गा सकता है तो कोई डांस कर सकता है तो कोई एक्ट कर सकता है. तो अलग अलग माध्यमों से वो लोग नेशनल इश्यूज के बारे में बात करे और अपनी कला दिखाए. सर कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने रखा है? जैसे हम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, विमेन्स सेफ्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद प्राइस हाइक होगी, इन्फ्लेशन हो गया, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो आप और मैं आज सह रहे हैं, उसके ऊपर एक आर्टिस्टिक वे में यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट कीजिए और प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए. From different categories, we had a great mimic artist in Navendra Bakar ji. We had great actors like Amir Ali ji, Adha Khan ji. We had singers with us like Raja ji, Mr. Jita ji. So a lot of people who from different categories and different walks of life and different parts of the fraternity came together to launch this, to promote how the platform we are giving the youngsters.
there is an advent of digital feeds now, you know, right, all over our country. Do you think it would be challenging to reach the talent wide? I think your question answers itself, that the digital reach has become so high that it will not become very difficult for us to reach people. The power of media, the power of YouTube, the power of smartphones has reached in every little part of the country, and I'm sure we'll reach out to everyone. And I'm sure after we reach out to everyone, they will send in their videos and we will get promote their use. So, very important question, how long is this whole reality? We plan to keep the entries open for the next 10 to 12 days, after which we will take a few days to filter out the videos that actually have the talent, after which within a week's time we should be having the auditions and then the mega finale. So this process should not be lasting more than a month. Zeeshan ji, ye bataiye, rajneeti mein hone ke bawajood is tarike ka aapke mann mein vichar kyun aaya? Aziz and I go back almost about 15-20 years. I have seen a lot of his work. But this is one of those extremely rare ones where after looking at the teaser, I am very keen, very excited to see the unveiling of the actual video. I think no one could have got the best out of what's seen in the teaser out of Terence, and the landscaping and the colors, the way Aziz has done. So I think he's done a phenomenal job on the video. As far as Siddharth ji is concerned, I loved his number, which was unveiled about a month back, called what was it? So you know the value of a reality show platform, a talent hunt. So aap us bare mein kya kehna chahiye? So this is a very big initiative taken by Indian Youth Congress, because मुझे पता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी 8 साल की थी जब मुंबई में हम आए थे, उसको बार बार होता था कि मामा मुझे टीवी में आना है, तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था, बट शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ रियलिटी शो इन मेरा स्टार सुपर स्टार इन स्टार प्लस. तो दैट्स हाउ वी केम टू मुंबई, और हम जिस दिन मुंबई में कदम रखा तो फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो रियलिटी शोज़ एक ऐसा ज़रिया है कि कोई भी बच्चा अपने टैलेंट से आगे आ सकता है, और आगे आने के बाद फिर उनको बहुत सारे और आगे से शोज़ मिलने शुरू हो जाते हैं. अगर आप रियलिटी शो में अच्छा परफॉर्म करते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो, तो और ज़्यादा अच्छे से उनको आगे काम आना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव, बिकॉज ये जो मंच है, ये मंच वो टैलेंट को आगे लाएगा जो कि देश से जुड़ने की बात करेंगे. आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, चारों तरफ नफरत फैलाने के मुद्दे चल रहे हैं, सो हम इंडियन यूथ को जोड़ना चाहते हैं ऐसे मुद्दों से जिसमें वो बेरोजगारी हो या फिर वुमेन इश्यूज हो, जितने भी भ्रष्टाचार, जितने भी इश्यूज हैं जो देश को ख़राब करते हैं, तरक्की को रोकते हैं, तो उन मुद्दों से अपनी एक मिनट की वीडियो बना के वो अपना टैलेंट दिखा के आगे आ सकते हैं. तो वो शॉर्टलिस्टेड बच्चे यहाँ से आगे तक जाएंगे, एक बड़े ग्रैंड फिनाले में, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करेंगे जो उनको नेशनली और इंटरनेशनली फेम देगी. सर, आप जिस तरीके से आज यहाँ पर आए हैं, ये प्लेटफॉर्म जो लोगों को मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, इसका तो कोई पैरामीटर तो है नहीं. देखिए क्या है ना, टैलेंट का कोई पैरामीटर नहीं होता, और टैलेंट में एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए. और जितनी भी एज अ कंटेस्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन जितने होंगे ना, मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी यूनिकनेस से आएंगे, चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो चित्रकार हो, चित्रकार भी यूनिक होना चाहिए, नॉर्मल चित्रकार नहीं. फिर मुद्दों को छोड़कर वो परफॉर्मर नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इन मुद्दों को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल बात होती है ऐसे लोगों पे कॉमेडी करना, वहाँ से कॉमेडी ईजाद करना. तो मैं स्वागत करता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म का, और ऑल द वेरी बेस्ट कहता हूँ ये सारे यूथ कांग्रेस के हमारे लाडले जीशान जी. आपने बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म सारे मुंबई शहर को और सारे हिंदुस्तान को ऑफर किया है. मैं सराहता हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. More than that, I'd like to say that in
a talent show is much more very important for this country, for the youth of this country, and we see a lot of talent shows. But India's Rising Talent is a unique talent show that we've got up. Indian Youth Congress President Sri Srinivas ji, our in charge Sri Krishna Allavaru ji, came up with this idea where the people who do not get opportunities to perform and get their talent on board, they will get a great opportunity to come up through this India's Rising Talent Hunt show. It is very easy for you to participate. You just have to send your 1 minute video. The guys who keep on uploading their videos on Instagram and all, and they don't get that much reach and that support from the masses, we'll get their talent on board. And we've got some amazing issues that we have to speak upon. You can read these issues here. So if you talk about these issues, your real talent will come up, because it's very easy for someone to make a joke. But when I give you a topic, जैसे कि महंगाई के ऊपर बोलना है, तो जब आप महंगाई के ऊपर अपना जोक बनाएंगे या रैप बनाएंगे, दैट इज रियल टैलेंट विच यू आर गेटिंग अप. सो दैट इज व्हाई आई फील इंडियाज राइजिंग टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यू आल्सो हैव प्लान्स टू रिटेन द टैलेंट एंड यू ऑब्वियसली वी हैव ऑल द प्लान्स टू रिटेन द टैलेंट. वी आर प्राइजिंग गिविंग देम प्राइजेस फॉर दैट रीजन ओनली. वी आर गोना कीप देम कंटिन्यू विद अस एंड यू नो द पीपल हु वांट टू बी विद अस फॉर द लॉन्गर रन, ऑब्वियसली वी विल रिटेन देम एंड वी विल हैव मल्टीपल सीरीज ऑफ दिस शोज एवेन्यूज लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर. सो यू नो द guys who come up with us on the first part will obviously stay with us in the second part. That's it. I think that's enough. Thank you.